नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गुप्त घरेलू नुस्खों पे। तो दोस्तों, बालों का झड़ना आम बात हो गई है और बाल धीमी गति से बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस समस्या का समाधान मैं आपको इस नुस्खे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप एक इंडियन हैं और रियल में अगर आप आयुर्वेद पे भरोसा करते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊंगा दोस्तों, जो बहुत तेज़ी से, दोगुनी से तिगनी रफ्तार से एक हफ्ते से दो हफ्ते के अंदर ही आपके बालों की ग्रोथ इतनी तेज़ी से बढ़ा देगा कि आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे। दोस्तों, हमारे बहुत से व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स जो रेगुलरली हमारे चैनल पे वीडियोस देखते हैं, उन लोगों पे हमने कुछ रिसर्च करा और ये साइंटिफिक थोड़ा सा, मतलब हमने एक प्रैक्टिकली करके देखा, तो ये नुस्खा बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना आप लोगों को भी बताएं। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, जिससे कि मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा सकूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस नुस्खे में हमने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स इनमें यूज़ करना है। तो सबसे पहला जो है वो है कोकोनट ऑयल। दोस्तों, पैराशूट का कोकोनट ऑयल हमें इसमें यूज़ करना है। ये बहुत ही बेहतरीन ऑयल है, नारियल का तेल है, जो बहुत पुराने समय से और बहुत भरोसेमंद बना हुआ है, बहुत पुराने समय से आ रहा है। दूसरा हमें यूज़ करना है दोस्तों, एलोवेरा जेल, जिसे हिंदी में गौरपाठा भी बोलते हैं। तो दोस्तों, हमें इतना एलोवेरा जेल यूज़ करना है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, ठीक है। हाँ, अगर आप लड़की हैं तो आप थोड़े से ज़्यादा एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं अपने बालों की लंबाई के अनुसार, ठीक है। देन हमें यूज़ करना है दोस्तों लेमन, एक आधा कटा हुआ लेमन, जिसका हम लेमन जूस निकालेंगे, यानी कि नींबू का रस निकालेंगे, ठीक है। तो हम ये तीन घरेलू नुस्खों का यूज़ करेंगे जो हमें आमतौर पर इजीली मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले नींबू के बारे में थोड़ा सा बता दूं। दोस्तों, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जो बालों से डैंडरफ का छुटकारा दिलाता है, साथ ही साथ बालों में पाई जाने वाली गंदगी या बैक्टीरियाज को मारता है। सिट्रिक एसिड एक एसिड होता है जो बहुत तेज़ी से बालों की ग्रोथ बढ़ाने में भी मदद करता है, बालों की गंदगी निकालता है, तो ऑटोमेटिकली बालों की ग्रोथ बढ़ती है। इसका एक काम और ये भी है कि ये बालों की जड़ों से गंदगी निकालता है, डैंडरफ का छुटकारा दिलाता है, ठीक है। दोस्तों, अब आते हैं एलोवेरा जेल पे। दोस्तों, एलोवेरा जेल के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, ये तो हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना गया है, चाहे बालों का झड़ना हो या फिर चेहरे पर पिंपल्स हो, एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, एलोवेरा जेल में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे तत्व पाए जाते हैं, ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों की सुरक्षा करते हैं, साथ ही साथ गर्मी में बालों का बचाव करते हैं, खासकर बालों की पर एक परत जमा कर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे इस चीज़ का यूज़ करना है, कैसे क्या करना है, सारी विधि मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, खाली बाउल ले लेना है। आपको एक खाली बाउल ले लेना है। इस बाउल में आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे कितनी इन्ग्रीडियंट्स मात्रा में क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें क्या करना है, 2 चम्मच, अगर आप लड़के हैं तो 2 चम्मच कोकोनट ऑयल लेना है, ठीक है। आप पैराशूट का कोकोनट ऑयल यूज़ करें या फिर घर में बना हुआ कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लड़के हैं तो 2 चम्मच और लड़कियां हैं तो 3, 3.5, 4 चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 चम्मच पैराशूट का कोकोनट ऑयल यूज़ करना है, ठीक है। देन हमें क्या करना है, आधा जो हमने लेमन काटा है उसका आधा मैंने रस ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो हमें ये लेमन जूस इसमें मिला लेना है, ठीक है। बस 10 बूंदें बहुत हैं, 5 से 10 बूंदें बहुत हैं, मतलब आधा जो निचोड़ेंगे वो पूरा मिला लें, ठीक है। इसके बाद हमें दोस्तों गौरपाठा यानी कि एलोवेरा जेल यूज़ करना है। तो एलोवेरा जेल के लिए हमें सबसे अच्छा उपाय है एलोवेरा जेल, या तो आप चाकू से काट के निकाल सकते हैं या फिर उससे बेहतरीन हम इसका रस डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये मैंने रस निकालने के लिए ले लिया है, आमतौर पर नींबू का रस इससे निकालते हैं, तो लेकिन मैं यहाँ पर इसका रस निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, इससे बिल्कुल पतला रस निकलता है। आमतौर पर हम जेल निकालेंगे लेकिन इससे बहुत पतला रस निकलता है, ठीक है। हम फिर से 1 चम्मच इसको डाल लेंगे इसमें और जो बचा कुचा रस है वो भी निकल जाएगा, ठीक है। और फिर से इसे निचोड़ लेंगे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों कितना, मतलब ये देखिए कितना अच्छा, मतलब पतला रस निकलता है। तो ये एक बहुत ही नया तरीका है एलोवेरा जेल को निकालने का, इसमें आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और रस भी बिल्कुल गाढ़ा निकल जाएगा। तो हमें ज़्यादा एलोवेरा जेल का यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ 4-5 बूंद 6 बूंद एलोवेरा जेल का यूज़ करना है, ठीक है। तो दोस्तों, ये तीनों नुस्खे हमने मिला लिए हैं, ठीक है। तो अब इसको हमें 5-10 मिनट मिलाना है। दोस्तों, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप मिलाने में बिल्कुल भी आलसीपना ना करें, ठीक है। इसे मिला लें ताकि एलोवेरा जेल, लेमन जूस और कोकोनट ऑयल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए
और जितना ज़्यादा आप मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा ही ये आपके बालों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करेगा। तो दोस्तों अब इसे क्या करना है, अपने ड्राई हाथों में लगाना है। देन हमें क्या करना है, ये पूरा जो हमने रस लिया है वो अपने बालों में लगाना है, और पूरा बालों में लगाने के बाद आपको अपने बालों की मालिश करनी है, ठीक है, जिससे कि ये जो जूस है, जो मैजिकल हेयर ग्रोथ ऑयल है, वो आपके बालों में अंदर तक पहुंच जाए और साथ ही साथ आपके बालों की जड़ों में भी पहुंच जाए। दोस्तों इसके बाद आपको एक काम करना है, एक सिंपल सा स्टेप अपनाना है, शावर कैप जो बालों को ढकने के लिए नहाते समय यूज़ करते हैं, शावर कैप आप समझते होंगे, तो अगर आपके पास वो है तो वो यूज़ कर लें, उसे सिर में बांध लें, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप रुमाल गीला करके उसे थोड़ा सा निचोड़ करके गीला रुमाल अपने सिर में बांध लें, जिससे कि ये रस आपके चेहरे पर भी नहीं आएगा। और उसकी खास बात यह है कि जब आप रुमाल बांध लेंगे तो ये रुमाल में लग के आपके बालों में अच्छे से आपके बाल अच्छे से सोख सकते हैं इसको, ठीक है, और धीरे धीरे आप आराम से ये पूरा आपके बालों की जड़ों में चले जाएगा। तो दोस्तों हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसका यूज़ करें, डेली यूज़ नहीं करना, हफ्ते में 2 से 3 बार इसका यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बालों की ग्रोथ कितनी तेज़ी से बढ़ रही है दोस्तों, क्योंकि इस नुस्खे में पाए जाने वाले सारे प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, पोषक तत्व आपके बालों की जड़ें सोख लेती हैं और डायरेक्टली बाल सोख लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल पतला होता है। तो दोस्तों इस तरीके से इसका यूज़ करना है, आप देखेंगे हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करेंगे, जब आप एक एक दिन छोड़ के इसका यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, आधे घंटे से लगा कर रखना है, आधे घंटे से 1 घंटे तक लगा कर रखेंगे, उसके बाद आपको पानी से धो लेना है, ठीक है, 2 से 3 वॉश कर लेना है जिससे कि आराम से निकल जाए। अगर बाई चांस थोड़ा सा लगता है कि बाल चिपचिपे हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा पतंजलि का केशकांति शैम्पू या फिर कोई भी अच्छा सा आयुर्वेदिक शैम्पू यूज़ करें, है ना। और दोस्तों आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपको साबुन का यूज़ नहीं करना है, ना ही कोई शैम्पू का यूज़ करना है, बालों को धोने के लिए धोना है तो आप कोई भी पतंजलि का शैम्पू यूज़ कर सकते हैं जो नेचुरल होता है बिल्कुल, ठीक है, हम कोई ब्रांड एम्बेसडरिंग नहीं कर रहे हैं पतंजलि की, पर हम बता रहे हैं हमने यूज़ किया है इसलिए क्योंकि नेचुरल शैम्पू यूज़ करना है हमें, ठीक है, हफ्ते में 2 से 3 बार का यूज़ करना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमें ये नुस्खे का यूज़ करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा पसंद आया होगा, और अगर आप रियल में सच्चे इंडियन हैं और आयुर्वेद की कदर करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। और हाँ, बेल आइकन दबा दें जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे, स्वाभाविक बात है आपको पता ही है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो अपडेट पहुँच जाएगी। पर दोस्तों फ्री में पाए जाने वाली अपडेट से फ़ायदा उठाएं ना, क्यों नहीं उठाएं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों आपका किन चैनल निकली, धन्यवाद।